या बताया भैया ने आ बैठ। यो कांग्रेचुलेशन है, मुबारक का बधाई। चाय पिएगा? पी के आया। अच्छा, ये फूल कैसे? अयो हमारा तमिलनाडु में सिस्टम है, दूल्हा की मदर को फ्लावर प्रेजेंट करने का। ले ले सतना में फूल ले ले। अरे काय को दूल्हा का मदर तो आपको बॉबी नहीं अन्ना, जन्ने वाली माँ से मानने वाली माँ का हक ज्यादा होता है। फूल सतनाम को ले दीजिए। मुबारक अन्ना प्राजी, इस सरदार जी के लिए क्या लाए हो? अयो लाया ये सिलाई कच कच कराने का वास्ता। ओए तू कुट खाएगा अन्या मेरे से, कुट खाएगा तू। अच्छा एक बात तो बता, वो तेरा वो जो हेड ऑफिस और तेरी ब्रांचें सब ठीक है ना? अरे तो आधा तू मेरे को याद नहीं करा, मेरा आदमी दूर था। अभी मैं ऑफिस से कैजुअल लीव पर। ले भाई हम तो समझे थे कि बरात में रौन के शौन के लगाएगा तू, कि तेरी सारी ब्रांचें एक साथ चलेंगी। छोड़ा भैया तुम तो अपना दफ्तर संभालो इधर। अच्छा मैं चलता, मेरे को बहुत काम और भी कहीं जगह जाना। अरे ये पड़ जाएगी, आज वो इसी गुलदस्ते से 10 कर निपटाएगा। और बस कर बस कर, मुछों की बागवानी, ब्याह तेरा नहीं हो रहा मुंडे का हो रहा है। तेरा तो जिसके साथ हुआ है वो तो पिछले 40 वर्षों से मथा पीट रही है, और आपकी वो आपको रबड़ी चटा रही है क्यों है? भाई ये बात तो कॉन्फिडेंशियल है, तुझे कैसे पता लगा? वैसे अभी भी कई दफा कहती है दार जी रबड़ी खाओगे ले आवा। चुप, 40 बरस तक फ्रिज में पड़ी ठंडी रबड़ी अब तक खिला रही है? खाती है कभी कभी। वाह 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 केदारा, रोहन का लग ही है इस घर में सच्चे पादशाह, बस प्रेम निवास के ऊपर मेर बनाई रखी। सोडे सब तेरी दुआएं हैं। अच्छा सोडे, तुझे याद है जब हम अपनी बारात में गए थे तो क्या क्या हुस्न लग रहा था खाकसार का। अरे लोगों की निगाहें नहीं हट रही थी, घोड़ी भी एक आंख दावे आहें भर रही थी। अच्छा तो वो याद नहीं, शकुन भरजाई एक हाथ में वर माला लेकर एक बैंड वाले के गले में डालने वाली थी, और मैंने कहा भरजाई जी मुंडा ये नहीं है मुंडा वो है, हालांकि ये बात और है कि हमारा मुंडा भी बैंड वाला ही दिखाई देता है। और ना मकूल ना हिजार, सब मजा किरकिरा करके रख दिया। क्यों क्यों क्या, अरे बैंड वाले से हमारी तुलना करता है? तू अपना ब्याह भूल गया? क्यों क्या हुआ था मेरे ब्याह में याद नहीं? सूट शूट पा के टाइयां शाइयां ला के घोड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, और इर्द गिर्द की जितनी भी लेडीज थी औरतें थी सब में झगड़ा शुरू हो गया, चाकू चलने शुरू हो गए। एक कहे कि इस गबरू जवान से ब्याह मैं करूंगी, दूजी कहे नहीं मैं करूंगी, और बेचारी सतनामी दूर खड़ी कलम कली नाल हराम ते परेशान। खामोश, हम थे ना लेडीजें हर एक से पूछ रही थी क्या कि ये बच्चा किसका है। हाँ, 4 फुटे कद के लिए चाकू चले। चुप कर चुप कर, कदी पर्सनैलिटी देखी है सरदार छोटा सिंह की चड्डी बनैन में? मेरी कसम अभी भी पिछले 40 साल से 5 कुआरियां वेट कर रही हैं फाजिल खां में, इस उम्मीद पे कि शायद सरदार जी की नजर एक दिन पड़ जाए, पर नहीं, सरदार जी तो सतनामे के दीवाने हैं। अच्छा जरा मुंह तो खोल, हम भी देखें कि मसूर की दाल लायक है या नहीं। अरे यार कितनी शर्म आती होगी भाभी को तेरे साथ चलते हुए, कहां वो जीती जागती अनारकली और कहां तू दो पाए वाला छोटा सा मर्दमान। खैर छोड़ यार, उड़ गई जवानी फुर्र से, यादों के दाग छोड़। अच्छा खंजरा एक गलत बता, ये सतनामे अभी भी अनारकली दिखती है क्या? और शकुंतला, आय हाय अगर मैं तेरी जगह होता ना तो परजाई के पैरों में रोज महावर रचाता। ओए कोई कह सकता है कि मेरी परजाई 5 बच्चों की माँ है? 5? हाँ तो होर की, 4 न्याणे 1 तू। आओ भी आओ।
अरे तौबा तौबा, उड़ाने देखी 20 साल की जान लग रही है। यहाँ बैठे बैठे हमारी बुराइयाँ कर रहे हो खंजर प्राजी। बुराइयाँ? अरे भाई कह दू रबड़ी वाली बात। चुप रबड़ी, ये रबड़ी क्या है बताओ ना। कुछ नहीं कुछ नहीं सतना, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है अपनी रबड़ी के बारे में। मैं नहीं इतने बैठना, मुंह पे जरा लगाम नहीं। अरे लगाम लगा लेगा तो रबड़ी कैसे खाएगा। गजब है, ब्याह बेटे का हो रहा है और फिकर अपनी कर रहे हैं। आमा अब सोच पर भी उम्र की पाबंदी। अरे न सही उफान मगर उफान के दाग तो रहने दो। हम तो ये सोच रहे थे कि अभी सिर्फ 40 साल पहले ये सतनामे ये शकुंतलाएं बखुदा क्या चीज थी। हाय जी तो करता है कि उल्टी जुतियां पा के पुठे पुठे फाजिल खा चले जावा। बस रहने भी दो, बासी कड़ी में डोंगी चला रहे हो। ये भी नो सोचा कि बेटे के ब्याह में दोनों माओं के लिए एक एक हारी बनवा देते। भाई आप एक काम करो, आप दोनों अपनी अपनी सुराई का, मेरा मतलब सुराईदार गर्दनों का नाप दो, मैं अभी लेके आता हूँ। जिसका पुत्र दिल्ली शहर का VIP हो उसके लिए परा हारों की कमी है, बस इतनी सी बात। पर ये तो सोच सोडे, कहीं दोनों ने हार पहन लिए तो हम तो बेहोश ही हो जाएंगे। हाय हाय हाँ भाई सोडे, जवानी के मौसम भी अजीब होते हैं, गुल खिले न खिले रास्ते महकते हैं। वाह 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 क्या बात है, कटिया शहर भी कभी कभी बढ़िया शहर पढ़ देता है। चल शकुनी बाहर चलिए, ये दोनों बुढ़े हार खाए बैठे हैं। माधुरी मत फेंट, ये तू अंडा फेंकती है ना तो हमको लगता है कोई हमारा दिल फेंट रहा है। अरे अंडे से बाहर निकलकर कोई कह रहा है कि हैंडल प्रसाद अब तू अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट कभी नहीं देख पाएगा। सलमान ऐसा मत कह, तू का समझता है, हमार मन नहीं करता कि बिंदी लहंगा पहनकर सिनेमा में बालकनी में तेरे साथ पिक्चर देखे। अरे हमारा गुरदाना ये तो कह गए कि हम थक गए हैं कि देखो भैया हैंडल प्रसाद भी 4 रोटी खाते हैं, उनकी भी उमंगे हैं, उमंगे तूफान भई जा रही है पर हमारी कोई सुनता ही नहीं। सलमान माधुरी तेरी है तेरी ही रहेगी। अरे ये डायलॉग सुन सुन के तो हमारे कान पक गए हैं। माधुरी I want to sit on the back of horse's wife. मतलब अब घोड़ी पे बैठे बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अरे बाजा गाजा होए, पंडित मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ते पढ़ते बोले ले सलमान ये माधुरी अपनी दुल्हन को संभाल। चुप, कोई देख लेगा। अरे ये तो हम चाहते हैं कि कोई देख ले ना, हम सब लिमिट तोड़ देंगे। The world will see. अरे ये अंग्रेजी फंस गई, अंग्रेजी my foot. देख हैंडल, तू हमारे साथ हिंदी में लव किया कर। हाँ। अरे ये हिंदी में लव करने का ही तो नतीजा है, अंग्रेजी में डाल डपट दिया होता ना ब्रनी फूड यू लबरेटा फिएट मारुति। अरे when the marriage of हैंडल प्रसाद happening, अरे सबकी नानी मर गई होती और वन वन चाइल्ड हमार गोदी में खेल रहा होता। तू इतना दुखी क्यों होता है सलमान, ले हमार हाथ चूम ले। हाथ नहीं, आई वॉन्ट फुल माधुरी। ओ चाटे से हमारा काम नहीं चलेगा। माधुरी आ हमारी बाहों में समा जा। ए सलमान इस जूते खाने वाला काम मत कर। हाँ एक बार ब्याह होने दे फिर हम तुम्हारे बहिया से बाहर ही नहीं निकलेंगे। ए सलमान देखना शांति। अरे ओ शांति, अरे रसोई में क्या कर रही है, यहाँ मेहमान आए हुए जल्दी आ। लो ये जरा सा फैमिली सीन शुरू हुआ नहीं कि FM रेडियो चालू हुई, जैसे होता है ना वो बोन में कबाब की तरह। कबाब का अंग्रेजी का होता। शांति अरे ओ शांति आते हैं प्लीज एक मिनट प्लीज। देखो क्या है कि जब से ये मेरा फॉर्मूला खोया है ना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं 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 तुम
कुटिल, तुम यहाँ थी तभी तो मैं अपना फॉर्मूला तलाश कर सका। अब तुम ही कहो, हैंडल के ऊपर 10 दिन तक मेरा फॉर्मूला कामयाब हुआ कि नहीं? अब ये तो मेरा ही मुकद्दर खराब था कि कमबख्त फॉर्मूला ही खो गया। तुम यहाँ से जाओगे तो नहीं? अगर तुम कहोगे तो नहीं जाऊंगी। पापा भी यही चाहते हैं कि जब तक दीदी ठीक ना हो मैं यही रहूं। वैसे भी वहाँ है ही कौन जिससे मेरा दिल लगा रहे? क्या पता, क्या पता वहाँ भी हो कोई तुम्हारा चाहने वाला। बहुत बाजी हूँ क्या मैं जगह जगह दिल पाटती फिरती हूँ? हाँ, जहाँ खुद ही अटक जाए वहाँ मजबूरी है। सच कहूँ तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। माय टेल। हाँ, लेकिन तब तक जब तुम इस लैब से बाहर होते हो, जब तुम ये बीकर उबालते हो ना, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। सच मनोज, जब तुम नाच कर रहे थे ना, दिल ले गए थे मेरा। यस मनोज, आई मीन इट व्हाट आई से। ओ टेल, ओ माय लवली टेल। टिली टिली, इस घर में तो सब मुझे पागल समझते हैं, पागल। टिली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। देखो टिली, अगर एक बार मेरा फॉर्मूला मिल गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच जाएगा, जन जन की भूख का समाधान निकल आएगा और मैं इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन जाऊंगा। शट अप! काश तुम तो मुझे समझ सकते। फॉर्मूला तो तलाश करना ही होगा। चल छोटू, हो जा शुरू। चल भी अन्ना, ये बाकी कार्डों की लिस्ट चेक कर। ठीक है। ये रमन कुमार को कार्ड दिया। अवतार गिल को दिया। रमेश तलवार गई। मिसेस हीटरानी पांडे गया। यार तू बंदा है ना, ही है गई को गया बोलता है, गया को गई बोलता है। पहले अपना जेंडर ठीक कर। और टेंडर वो जेंडर नहीं है, वो शोल्डर है। अनंकल, बाहर आपकी ब्रांच मैनेजर आपको बुला रही है। ब्रांच मैनेजर? यू मीन वाइफ? अयो, कौन सा वाला? अब ये मुझे क्या पता, ऑफिस आपका, ब्रांच मैनेजर आपकी, उन्होंने तो बस आपको जल्दी से बुलाया। घबरा मत, चल मैं चलता हूँ तेरे साथ। नहीं नहीं सुना चाचा, आप नहीं, उन्होंने ना इनको अकेले बुलाया, कुछ घरेलू काम है। अयो, हम चलता, हम किसी से नहीं डरता। हम अभी बेचारे चार ऑफिस और कौन सकता, मर्द बच्चा उधर आता ना। अयो अरा तुम है कौन ना? अयो गाजियाबाद वाला? अयो तो बेंगलोर वाला? अयो तो कलकत्ता वाला जरूर? ये भी नहीं आया तो नंबर 4 किधर से आया पांडुरंगा? अरे तू ये तेरा चाचा दीवाना, हाय राम बुड्ढों का है जमाना, तीनों चाची का एक ही ठिकाना, हाय राम। आयो आयो मेरे चाचा को बचाना, हाय राम आयो आयो। हमने आयो हमने कंट्रोल आयो सोदा नो कंट्रोल। अच्छा चल के फिर कार्ड की लिस्ट चेक करें। चलो चल आ जा। आयो 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 आयो। सतना में मुंडे कुड़ी का ब्याह तो हम कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही फ्लैशबैक चल रहा हो। आए मोरनी को देख के मोर फिर से जवान होने लगा है, जवानी की अंगड़ाइयां लौट रही हैं। अच्छा कभी प्रेम निवास में बैठे हैं, बच्चे बच्चियों ने देख लिया तो हंसनगे, तुसी भी कदे कदे। सतना में मेरी अखा में अखा पा के तो देख, हसीन जनानी को देखकर आंखों को राहत होती है,
लेकिन सच्ची और नेक औरत को देखकर रब की रहमत मिलती है। दारजी, रब ने मुझे माला माल कर दिया। सुख दुख का ये लंबा सफर हंसते हंसते काटा है तूने। ना दारजी, मैनु फक्र है इन्ने साल तुसी पुलिस विच रह के अपने कदम सच्चे रखे ते नियतां सुचियां रखियां। रब्बा किथे ले जावांगे इन्नी खुशी। तुसी तो मैनु कदी बड़ा नहीं होन दोगे। जिंदगी दी धूप थले कितना वक्त गुजर गया, बाकी भी कट जाना है तेरा हाथ फड़ के। पर अब भी कभी कभी लगता है कि तू सतनाम से सतनाम कौर हो गई है और मैं नौजवान इंस्पेक्टर सोडा सिंह सब्ज बाग। कहां कहां ले जाती हैं यादें भी। अच्छा, अपनी बेटी की शादी में क्या पाओगे सिद्धार्थ जी? गरीब कुड़ी का बाप हूँ, कच्छा पाके कुड़ी विदा कर दूंगा। जलवे तो तेरे हैं लश्कारों वाली, बेटे का ब्याह है, है? गोटों सजेगी मेरी सतनाम। सुधा जी खुश हो ना? बहुत खुश। सतनाम तो कुछ नहीं दे सकी ना, पर शक्ति मेरी चोली पर देती है, सारे माँ के काम मुझसे करा रही है। बाबिया, इस दुनिया में खंजर और शकुन पर जाए जैसे लोग और क्यों नहीं पैदा करते?